अल्मोड़ा के सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय 55वीं वाहिनी से एसएसबी के एक जवान के लापता होने का मामला सामने आया है। अल्मोड़ा मुख्यालय में श्रीनगर से शुक्रवार को 40 जवानों की 11 बटालियन एफ कंपनी अल्मोड़ा मुख्यालय लौटी थी, जिसके बाद आज सुबह जब जवानों का रोल कॉल हुआ तो राजेंद्र चंद रोल कॉल में शामिल नहीं था, जिसको लेकर एसएसबी के जवानों ने कई जगह ढूंढा लेकिन जवान का कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद बटालियन के इंस्पेक्टर ने अल्मोड़ा कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। कल एसएसबी की 11 बटालियन एफ कंपनी के इंस्पेक्टर भक्त दर्शन सिंह यहाँ कोतवाली में आए। उन्होंने बताया कि हम कल सुबह 1 बजे हम जो है यहाँ एसएसबी परिसर में पहुँचे थे अपनी सारी नफरी के साथ, जितनी भी इनके साथ कंपनी के साथ। तो जब ये आए थे तब इनके सब सदस्य पूरे थे, लेकिन सुबह 7:30 बजे जब इन्होंने फिर रोल कॉल की तब इनका एक आदमी राजेंद्र चंद सन ऑफ शंकर चंद, गाँव बैन, थाना चिनानी, जिला उधमपुर, तो ये व्यक्ति जो है रोल कॉल में उपस्थित नहीं आया। तो इनके द्वारा अपने एसएसबी प्रीमिसिस में सब जगह तलाश किया गया, अपनी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई और अपने आदमी के साथ टीम बनाकर सारे बाजार में भी ढूंढा गया। जब वो कहीं नहीं कब कल कहीं नहीं मिल पाया तब उनके द्वारा आगे लिखित गुमशुदगी की तहरीर थाना में दी गई और जैसे ही गुमशुदगी दर्ज की गई इस संबंध में थाना स्तर से भी एक टीम एसआई रिंगवाल के नेतृत्व में बना दी गई है, जो यह लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लापता एसएसबी का ये जवान राजेंद्र जम्मू कश्मीर के ग्राम बैन, थाना चैनानी, जिला उधमपुर का बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 31 साल है। फिलहाल पुलिस ने जवान की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख दी है और एक पुलिस टीम गठित की गई है जो जगह जगह तलाश कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उपरेती की रिपोर्ट।